इन संतों से कहने लगा कि हे संत महात्माओं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपनी रानी से थोड़ी सलाह कर लूं, क्योंकि बेटे पर मेरी रानी का भी बराबर का अधिकार है। किस तरह से राजा मूर्धज समय लेकर के और अपने महलों में पहुंच गया, रानी विद्याधरनी के सामने किस तरह से सारा हाल बयान करता है, आइए इस रागिनी में मेरा साथ निभाएंगी मैडम मन्नु तंवर जी आपके बीच में। एक बार जोरदार तालियों सम्मान करते हुए, जोरदार तालियों। महारानी विद्याधरनी जी, महाराज आज ये मैं क्या देख रही हूँ महाराज, सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम है, आपके महलों में आपका स्वागत है, लेकिन आज आप भरे दरबार को छोड़ के अपनी रानी के पास में अचानक क्या करने के लिए आया हूँ महाराज, कोई विपदा आन पड़ी है? बहुत बड़ी विपदा आई है महारानी। हाँ महाराज, आपके पसीने भी छूट रहे हैं। मेरे पसीने ही नहीं, मेरा सब कुछ छूट रहा है आज। क्या हुआ महाराज, कुछ बात हुई है? मैं तुमको कुछ कह भी नहीं सकता, कहे बिना रह भी नहीं सकता, ऐसी बात आज महलों के अंदर हुई है। और मुझे इस बात का डर है, अगर मैं महलों राज दरबारों की बात तेरे सामने पेश कर दूं, हाँ, तो पता नहीं तू उन बातों को सुन पाए कि ना सुन पाए, कहीं घबरा करके तेरा हार्ट फेल ना हो जाए। नहीं महाराज, मैं छतरी की लड़की हूँ, छतरी के ब्याही हूँ, छतरानी हूँ, घबराने वाले में से नहीं हूँ महाराज। आप तो बेधड़क होके कहिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दे महारानी के लिए। मैं कह रही है छतरी की बेटी हूँ, छतरी की घरवाली हूँ, घबराने का काम नहीं है। आप कहिए महाराज जो परेशानी है। लेकिन महारानी मैं भी कोई छोटी बात तुझे बताने वाला नहीं हूँ, बहुत बड़ा गजब हुआ है, सुन मैं क्या बताऊं। बताइए महाराज। एरी विद्याधरनी दरबारिया में, हाँ महाराज, आज तो साधु जी आए, साधु आए हैं तो उनका मान सम्मान कीजिए महाराज, और एक काम जरूर करना। क्या? एरे दान दक्षिणा दो संतों को, इतना घबराए, दान दक्षिणा दो संतों को, इतना घबराए, विद्याधरनी री दरबार में तो साधु जी आए, दान दक्षिणा दो संतों को, इतना घबराए, दान दक्षिणा दो संतों को, इतना घबराए। वो संत दान दक्षिणा नहीं लेते हैं महारानी। तो क्या लेते हैं महाराज? सुन पाओगी? सुन पाऊंगी। तीन वचन भरवा संतों ने, तीन वचन भरवा संतों ने, पाछे एक सवाल करया, ओ जन जी मातियो करते मन में कौन मलाल करया, ओ जन जी मातियो करते मन में कौन मलाल करया, मेरी होगी बुद्धि भंग रे गोरी, नहीं बात का ख्याल करया, कैसे बात बताओ साचन की जी का जल जाल करया, कैसे बात बताओ साचन की जी का जल जाल करया, लाल करया अजे दान मने, महारानी तेरा बेटा आज मैंने दान में दे दिया। नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा लाल आपने दान कर दिया। बिल्कुल दान कर दिया। नहीं महाराज, तेरा लाल करया आज दान दीप महलों के आप बुझाए, कैसे है मेरे में संती अरे कौन से वचन भराए, कौन से वचन भराए, ¡Gracias!
चाहती हो कि कैसे वचन भराए संतों ने? महाराज बताइए, मेरे बेटे का नाम सुन के मेरी छाती धड़क रही है महाराज, लेकिन मैं फिर भी सुनना चाहूंगी, उन बेरहम संतों ने ऐसे कौन से वचन भरवा लिए जिसकी वजह से मेरा बेटा आपको दान करना पड़ रहा है महाराज? केवल दान ही नहीं करना पड़ रहा है, और भी कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं जानना चाहोगी हमारे बेटे को वो लेकर के करेंगे क्या, किस लिए दान में मांगा है? बताइए महाराज, क्या करना चाहेंगे वो? एक शेर साथ में ले रे से, एक शेर साथ में ले रे से, न्यू बोले इसे जिमा दो, लेके किसे शिकारी ते जंतु का मांस खिला दे, लेके किसे शिकारी ते जंतु का मांस खिला दे। खाता है नहीं खाता है महारानी? किसी जीव जंतु का मांस नहीं खाता है वो शेर। तो क्या खाएगा महाराज वो? न्यू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेड़ चढ़ा दो, पुत्र बिना कैसे जीवेगी दिल का हाल बता दो, पुत्र बिना कैसे जीवेगी दिल का हाल बता दो। कल शादी के ढोल बजे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए, हल्दी बटना उतरा ना बहू बैठी बेटे का मांस तो उन संतों ने मांग लिया अपने शेर के लिए। हाँ, लेकिन और भी शर्त हैं महाराज। बड़े बेरहम संत हैं जिन्होंने मेरे बेटे को दान में मांग लिया और शेर के भोजन को उसके सामने, शेर के सामने मेरे बेटे को डालना चाहते हैं महाराज। ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगी महाराज। केवल बेटा सामने नहीं डालना है महारानी, तो और भी कुछ करना, और भी कुछ करना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ और क्या क्या करना पड़ेगा, बताइए महाराज। न्यू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आरा, हाथ काल जा मेरा हाथ काल जा, खड़ा हुआ यो सुन के बोल करारा, मेरा हाथ काल जा खड़ा हुआ यो सुन के बोल करारा। एक शरत और भी है संतों की महारानी, सबसे मुश्किल शरत। कौन सी है महाराज? जो आंख पे आंसू अभी कितना भी रो लो, जितना रोना चाहती हो अब रो लो, जिंदगी भर रोते रहना, लेकिन महाराज, लेकिन जब बेटे का दान होगा हम अपने बेटे को चीरेंगे अपने हाथों से, अपने हाथों से। नहीं महाराज, जो आंख पे आंसू निकड़ गया तो शेर ना जी में मारा, सुन सुन के थारी बात पिया तने थर थर का पैसा, सुन सुन के थारी बात पिया तने थर थर का हाथ पैर भी जोड़ लिए, हाथ पैर भी जोड़ लिए, वो हले नहीं हलाए, इन हाथों ते इन हाथों ते कैसे चीरू चिड़ते बाद खिलाए, इन हाथों ते कैसे चीरू चिड़ते बाद खिलाए। लगता है तुम दान नहीं कर पाओगी। नहीं महाराज, शायद मैं आपका ये कर्तव्य नहीं पूरा कर पाऊंगी। एक काम और कर दे फिर। क्या करूं महाराज? एक काम और हो सकता है, दरबारों में चली जा। हाँ। जा करके उन संतों से मना कर दे कि मैं अपने बेटे को दान में नहीं दूंगी,
क्योंकि बेटे पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। उससे तेरा बेटा तो बचाएगा महारानी, आज तेरी बहुत बड़ी परीक्षा है। इस राजा मोरध्वज में से और अपने बेटे धीरध्वज में से एक को चुनना पड़ेगा। तेरा बेटा तो बचाएगा, संतों से जाकर के मना कर देना, लेकिन ये राजा मोरध्वज वचनहार होकर के जीवित नहीं रहेगा महारानी, जीवित बिल्कुल नहीं महाराज रहेगा। नहीं, ये समय की कैसी विडंबना है, जो वक्त ने मेरी ऐसी परीक्षा ली है महाराज, कि एक तरफ मेरा बेटा है, एक तरफ मेरा पति है। मैं मेरे पति के वचनों को निभाती हूँ तो मेरा बेटा मारा जाता है, मारा जाएगा। अगर मैं मेरे बेटे को बचाती हूँ तो मेरा पति मारा जाता है। बिल्कुल महाराज, अगर ये समय की परीक्षा है तो ये आपकी पतिव्रता नारी धर्म से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर मौत मेरे दरवाजे पे आके मुझे ये कहेगी कि एक तरफ तेरा बेटा है, एक तरफ तेरा पति है, तो हंसते हंसते अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगी महाराज, क्योंकि पति रहा, अगर पति रहा तो बेटे और भी हो जाएंगे अगर भगवान की कृपा से, लेकिन अगर पति चला गया तो मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं रह पाऊंगी। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। धन्य है महारानी, ऐसी ही आशा लेकर के तेरे पास आया था कि इस विपदा की घड़ी में तू मेरा साथ निभाएगी महारानी। मन भर लिए वचन भूल मैं तू बेशक नाटिया रानी, मैं पतिव्रता नारी धर्म की नहीं करूंगी हानि, मैं पतिव्रता नारी धर्म की नहीं करूंगी हानि। अगर तू मेरा साथ देने के लिए तैयार है तो मेरा छोटा सा एक काम और कर दे महारानी। क्या करूं महाराज? अब जाके उससे पूछ लिए घर बैठी से बहुयानी, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महारानी करना पड़ेगा। नहीं महाराज, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक औरत का दर्द एक औरत अच्छे से जानती है। मेरी तो उम्र बीत चुकी है, लेकिन अब उसकी तो अभी अभी शादी हुई है महाराज, कही अपनी बात। अब जाके उससे पूछ लिए घर बैठी से बहुयानी, टक्कर मारे मरेगी बातें खोवेगी जिंदगानी, टक्कर मारे मरेगी बातें खोवेगी जिंदगानी। हरी गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह ने, गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह ने दानी वीर सताए, कर्म फल सत पुरुषों की कथे पग पर लटक गाए, दान दक्षिणा दे संतों को तू इतना घबराए। कई विद्या धनीरी दरबार में दो साधु जी आए, दान दक्षिणा दे संतों को तू